हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बिहार राज्य की। ये राज्य खास इसलिए है क्योंकि भारत का निर्माण करने में इस राज्य के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। देश के किसी भी कोने में कोई सड़क बनी हो या कोई पुल बना हो, कोई आसमान छूती इमारत बनी हो या कोई भी मशीन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस चीज को बनाने में किसी बिहारी का हाथ जरूर होता है। ये राज्य भारत के उत्तर में मौजूद है। इस राज्य की सीमाएं झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से लगती हैं। ये राज्य 94,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इस राज्य में 38 जिले मौजूद हैं और पटना शहर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इस राज्य की राजधानी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में करीब 10.5 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। अगर इसके क्षेत्रफल से जनसंख्या का अनुपात निकाला जाए तो इस राज्य में करीब 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस राज्य में भोजपुरी, मैथिली और मगधी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी और उर्दू इस राज्य की आधिकारिक भाषा है। वही राज्य महिलाओं के मामले में भी काफी ज्यादा खास है, क्योंकि यहाँ का सेक्स रेशो 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं। इस राज्य की 68% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। आज के समय बिहार की 20% जनसंख्या शहरों में रहती है। इसका एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का ना मिलना है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिहार के अलावा भारत के कोने कोने तक और विदेशों में भी पहुँच चुके हैं। बिहार की जनसंख्या में 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इस आधार पर बिहार को युवा राज्य भी कहा जा सकता है। बिहार के लोग देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्राइमरी सेक्टर में काम हो या बड़े अधिकारी पदों के लिए अधिकारियों को तलाशना हो, बिहार वो भूमि है जहां की मिट्टी से हर तरह के लालों को जन्म मिलता है। आज ही नहीं, इतिहास में हजारों साल से बिहार पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एजुकेशन का हब रहा है। चंद्रगुप्त के समय से इस राज्य का इतिहास चला रहा है। दुनिया में फैला महान दर्शन बौद्ध दर्शन भी इस राज्य में काफी ज्यादा फैला हुआ था। एक समय में बिहार दुनिया भर के लोगों के लिए शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आज के समय बिहार को भारत के पिछड़े राज्यों में जरूर गिना जाता है, लेकिन यही बिहार देश की इकोनॉमी के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। बिहार में पाइराइट के 95% रिसोर्सेज मौजूद हैं। कुछ ही महीनों पहले बिहार के जमुई में सोने की खदान भी मिली है, जो भारत के गोल्ड रिजर्व का 44% है। 2013-14 में बिहार की GDP 3600 बिलियन भारतीय रुपए के आसपास हुआ करती थी, जिसमें 22% एग्रीकल्चरल, 5% इंडस्ट्रीज और बाकी का हिस्सा सर्विस सेक्टर से बिहार को पैसे देता है। इस राज्य की जनसंख्या में से 80% लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम करते हैं। बिहार भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जियां उगाने वाला और 8वां सबसे बड़ा फल उगाने वाला राज्य है। बिहार के बेगूसराय में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिस वजह से इसे बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा हाजीपुर, डालमिया नगर, मुंगेर और बरौनी में भी इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है। इसके अलावा पटना ही एक ऐसा शहर है जिसका पर कैपिटा GDP बिहार के दूसरे इलाकों से ज्यादा है। इसके अलावा बिहार भोजपुरी गाने और फिल्मों के लिए भी पॉपुलर है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के समय काफी ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो देश भर के लोगों द्वारा देखी जाती हैं। हालांकि इंटरनेट की तेजी के बाद भारत के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में भी इंटरनेट से जुड़ी और मनोरंजन से जुड़ी इंडस्ट्रीज को काफी ग्रो करते देखा गया है। बिहार के गानों और फिल्मों वाले इंडस्ट्रीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा बिहार का ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली, कोलकाता के बीच होने की वजह से ठीक ठाक है। इस राज्य में 3 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें दरभंगा, गया और एक बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है। इस राज्य में रेल मार्ग का जाल भी काफी अच्छा बिछा हुआ है। BSRTC बिहार में रोडवेज बसों का संचालन करता है। पटना बिहार का पहला ऐसा शहर होगा जहां पे मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। आज के समय तक इस मेट्रो का काम चल रहा है। 31 किलोमीटर लंबी ये रैपिड ट्रांसपोर्ट लाइन पटना के ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।